मुझे आपको वो हरे कृष्ण गांधी के बारे में कुछ बात करनी है। उसके कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अरे वो आपके रिश्ते का काबिल नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बापू जी, जेठिया आवाज बदल कर मुझे उल्लू बनाता है। घर पे आ, घर पे आ, तेरी खैर नहीं। अरे मेरा टिपेंद्र एकदम होशियार है, वो तेरी लड़की को कैसे भी ढूंढ लेगा। ठीक है, चलो रखता हूँ। जय जिनेन्द्र। बाबू चट इधर फोन पे आवाज बदल के बात करता है। बाबू जी हो। वैसे आप लोगों ने पूछा है तो बता ही देता हूँ। देखो वो रहे। वाओ, कितना हैंडसम है, डैशिंग पर्सनालिटी। अरे वाह भाई वाह, आखिर मेरी छुटकी को लड़का पसंद आ ही गया नहीं? हाँ पापा, लड़का तो मुझे पसंद आ गया, पर पापा वो ना बहुत शर्माता है। पापा, जीजू के साथ उसका छोटा भाई भी आया था, टप्पू। हाँ पापा, वो भी बहुत क्यूट था। हाँ, बहुत बोलता था, अपने भाई की बहुत तारीफ कर रहा था। क्यों नहीं, हमारा होने वाला दामाद होगा ही तारीफ के काबिल। बस बस बस, मम्मी कितनी बार पूछोगी कि चुटकी कैसी है? अरे बेटा, मैं तो बार बार क्या, हजार बार पूछूंगी। अरे पहले ये तो बता कि वो क्या कह रही थी। हाँ। अरे दादाजी, वो कह रही थी आप बहुत हैंडसम और क्यूट लगते हो। अरे वो मेरे बारे में नहीं, तेरे बारे में कह रही होगी। अरे तू उसे पसंद तो आया है ना? हाँ, मुझे लगता तो वैसे ही है। वाह वाह, बापूजी तो बात पक्की ही हो जाएगी। हाँ बो, मेरे टिपेंद्र को झुटकी पसंद आ गई है। हेलो। अरे चंपक चाचा। कौन हरिया? हमारी छुटकी को आपका टिपेंद्र बहुत ही पसंद आया है। ये मेरे टिपेंद्र को भी छुटकी बहुत पसंद आई है। बस शर्माता बहुत है। क्या टिपेंद्र शर्माता है? ले मुझे तो आज पता चला है। बापूजी, शादी की बात कीजिए ना। हाँ। चंपक चाचा, भाई लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो आप सगाई भी कर डालते हैं? हाँ हाँ, सगाई कर देते हैं। आज ही बुला लो, सगाई कर डालते हैं। अरे क्या आज ही बुला लो, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, पर शाम को घर पर तो बुला लो, बात पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा सुन भाई हरिया, एक काम कर, अच्छा मुहूर्त देख के आज शाम को ही घर आ जा, मुंह मीठा करके बात पक्की कर लेते हैं। ठीक है चंपक चाचा, हम आज ही आ जाते हैं। हाँ हाँ, रखता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहू वो लोग शाम को आ रहे हैं। अरे वाह, अब मेरा टपूड़ा है, सगाई करेगा। दादाजी दादाजी दादाजी, क्या करूं? फायर ऑफिसर मेहता साहब। मेहता साहब, मेहता साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे शाम को लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, टप्पू का रिश्ता तय करने। अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप? जेठालाल, तुम तो ऐसे झल्ला रहे हो जैसे ये रिश्ता मैंने करवाया है। मैं करवा रहा हूँ ये शादी? अरे आप नहीं करवा रहे, लेकिन समझा भी तो नहीं रहे आप। तो अब बोलो मैं क्या करूँ? अरे मेरा डायलॉग आप क्यों बोल रहे? आप मुझे बताओ भी मैं क्या करूँ। क्या सोच रहे? कुछ नहीं सोच रहा, अपनी मजबूरी पे झल्ला रहा हूँ। तारक मेहता इतने बड़े लेखक बने फिरते हैं, कुप्रथाओं के विरोध में लिखते हैं, और अपने ही सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। चंपक चाचा की जिद की वजह से ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारी जैसी फैमिली भी है दुनिया में कोई दूसरी? हमारे जैसी फैमिली दुनिया में दूसरी? क्या मतलब क्या आपका? हम क्या दूसरे ग्रह से आए? अरे दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हो, लेकिन सबके ग्रह मंडल तो खराब करके रखते हो ना। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी फैमिली जो भी करती है ना वो पूरा तो होता नहीं, हर काम बीच में ही अटक जाता है, कुछ सफल नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, ये काम भी सफल नहीं होगा, नहीं होगा टप्पू का रिश्ता। वाह, ज्योतिषी तारक मेहता जी की जय। आपने बोल दिया नहीं होगा रिश्ता, अगर रिश्ता हो गया तो बोलेंगे सगाई हुई है ना, देखना शादी नहीं होगी। अगर शादी हो जाएगी तो बोलेंगे शादी हो गई, नहीं
चिंता मत करो, तुम जेल नहीं जाओगे। अगर मैं जेल चला गया तो बोलेंगे अरे अरे बेचारा जेठालाल जेल चला गया, उसका नसीब ही खराब है। जेठालाल, व्यंगकार मैं हूँ, तुम नहीं हो। और मुझ पे इस तरह से व्यंग मत करो। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं देनी एडवाइस तुम्हें। बोलो, अभी आपको एडवाइस भी मुझे नहीं देनी है, इसका मतलब वाकई में मेरा नसीब खराब है। मैं खुद नहीं जानता, आपको शाम को मेरे घर पे आना होगा बस। बिल्कुल नहीं, मैं इस अपराध का साझेदार नहीं बन सकता। और अपने सामने बाल विवाह हो, उसका रिश्ता हो, मुझे ये मंजूर नहीं होगा। अरे भाई, मंजूर तो मुझे भी नहीं है। मेहता साहब, आप हमेशा कहते हैं ना कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जीत के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, तभी आप खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको शाम को घर पे आना ही होगा। जेठालाल, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वहां आके इसका पुरजोर विरोध करूंगा। ले बोलो। अरे भाई, विरोध करने के लिए तो बुला रहा हूँ मैं आपको, अब समझे आप हे भगवान। तो शाम को आप आ रहे हैं पक्का? ठीक है, आ रहा हूँ। हमरा ते छोट की टपून जो बावशे, हमरा ते छोट की टपून घेर आवशे, टपून घेर आवशे भाई, टपून घेर आवशे, हमरा ते छोट की टपून जो आवशे। वाह बापूजी, घर चमक रहा है ना, लड़की वाले आए तो कुछ भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। दया, चिंता मत करो, घर में कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कमी है ना, वो उछल उछल के नजर आएगी, उसको कैसे छुपाओगी? ए चुप रहे बबूचक। बहू, अच्छा सजाया है। थैंक यू, मेंशन नॉट। जी बापूजी, मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? छुटकी की पसंद का खाना। दीपेंद्र, तुम्हें पता है छुटकी क्या खाना पसंद करती है? मम्मी, वो मैंने नहीं पूछा उसको। अब शादी नहीं होगी। ए भाई, ए तू चुपचाप बैठ नहीं सकता? बहू, तू फिकर मत कर, तूने वो चॉकलेट, वो आइसक्रीम, वो सब रखा है ना, वो छुटकी को पसंद आएगा। अच्छा, और सुनिए, छुटकी आपके पैर छुए ना तो उसको शगुन में 500 देना, और साथ में आशीर्वाद भी देना। अरे आशीर्वाद तो ऐसा दूंगा कि ये शादी ना हो। क्या है? कुछ बोलना चाहते हो? तो ऐसे ऐसे सर तो हिला रहे थे। अरे बापूजी, लगता है लड़की वाले आ गए हैं। लड़की वाले नहीं, मेहता साहब आ गए। पापा, चल चल अबे। टप्पू, टप्पू, वो की गोली खड़े नहीं। टप्पू, तू खेलने नहीं आ रहा है? आ रहा हूँ ना, दादाजी मैं आया। दीपेंद्र, तू कहीं नहीं जाएगा? नहीं नहीं बेटा, आज दीपेंद्र नहीं आएगा। हम क्यों आंटी? आज उसको एक जरूरी काम है। क्या काम है आंटी? मैं कल बताऊंगी ना। अभी क्यों नहीं? टप्पू, तू बता ना प्लीज। गोगी, अब गोगी बेटा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। हाँ चलो, बाय बाय टप्पू, बाय। हाँ बेटा। दीपेंद्र, अभी लड़की वाले आने वाले हैं ना, हैं? और तुझे खेलने जाना था। बच्चे खेलने नहीं जाएंगे तो क्या बड़े खेलने जाएंगे? ए जेठिया, क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। बापूजी आ गए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? बापूजी, ये तो मेहता साहब हैं। हाँ हाँ, मैंने उनको बुलाया है। आइए मेहता साहब, बेझिझक आइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो लड़की वाले आ रहे हैं। बापूजी, चाचा जी, मैं आपसे क्या कहूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी भी समय है, आप मान जाइए। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है मेहता, समझ जा। ये जेठा का साथ छोड़ और मेरे साथ आ जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, मैं एक लेखक हूँ। तो क्या लेखक बुजुर्ग का साथ नहीं दे सकता? चाचा जी, बुजुर्ग का साथ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बुजुर्ग की गलत जिद का साथ नहीं दे सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत।
अब आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास आपको समझाने के लिए शब्द तक खत्म हो गए, लेकिन आज आपका विरोध करने के लिए और उस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे काली पट्टी से क्या होगा? होगा, इसका असर होगा जेठालाल, सत्याग्रह। बापूजी, अब तो लड़की वाले ही होंगे। ए उत्साही, लड़की वाले मुझे नहीं लगता आ जाएंगे अभी, क्योंकि अब तक तो वो समझ गए होंगे और उन्होंने शादी वादी कैंसिल कर दी होगी। अबे चुप रह ले, अबे बहू जा दरवाजा खोल। जी बापूजी। बेटिया, ये लाइट कैसे चली गई? अरे मुझे क्या पता बापूजी, मेरी वजह से थोड़ी गई है, लगता है पूरे एरिया की गई है। आइए देखिए। हाँ हाँ संभल कर, ये आइए भावना बहन। लाइट गई, ये तो अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं, शगुन हुआ ऐसा कहिए। टिपेंद्र के पापा जब मुझे देखने के लिए आए ना, तो इसी तरह से लाइट चली गई थी, है ना बापूजी? हाँ हाँ शगुन ही है। अरे दया जैसी बहू जो मिली है उनके लिए शगुन, मेरे लिए अब शगुन। अरे हरिया कहाँ है तू, अंदर आजा, मैं हाथ पकड़ ले। आता हूँ, आप संभालना चाचा, आओ आओ, संभाल के ना, संभाल के, धीरे 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 चाचा, आप संभालना। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ दया बस बैठना, कितना बहुत आराम। हाँ अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हरिया घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं चंपक चाचा, लेकिन आपके सोसाइटी के लोग बड़े मजाकिया है। एक चश्मे वाले भाई साहब से हमने पूछा कि जेठा भाई का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि घर तो बता दूंगा लेकिन आपके रिस्क पर जाना होगा। ये जरूर वो भीड़े ही होगा। हाँ वो मजाकिया बहुत है, जेठा का दोस्त है क्या? रिया कितने सालों बाद मिले हैं। हाँ बिल्कुल चंपक चाचा, आज भले अंधेरा हो, आपका चेहरा भले दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आपको मिलकर मेरा दिल भराया। चुटकी के पापा आपकी इतनी इज्जत करते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि चंपक चाचा के जैसा समझदार इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं। समझदार? अरे ये कौन हंसा? वो जेठा खांसी खा रहा है। अरे हरि, मैं तो तुझे पहचान करवाना ही भूल गया, ये मेरा बेटा है जेठा। जब लाइट आए तो बराबर उसका चेहरा देख लेना है। जय जिनेंद्र जेठा भाई। हाँ जय जिनेंद्र। और जो जेठा के पास में खड़े है वो तारक मेहता है, हमारे पड़ोसी। वो लेखक है लेखक, कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। जी नमस्कार, मैं लेखक जरूर हूँ चाचा जी, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं लिखता। मैं समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ लिखता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी कलम एक ऐसा आंदोलन करे कि बुराइयाँ खत्म हो जाए। शाबाश शाबाश। बहू मोमबत्ती का क्या हुआ? ला रही हूँ बापूजी। कौन है? आपकी धर्मपत्नी। दया बेन को देखा आपने? लगता ही नहीं टिपेंद्र की मम्मी है, बहन लगती है। आप भी देखना भावना बहन, मैं आपकी छुटकी की सास नहीं बहन बनकर रहूंगी। अरे देखा, मैंने मन से बोला तो लाइट भी चालू हो गई, मेरी माँ भी यही कहती है। दया अभी लाइट आ गई है तो मोमबत्ती तो बुझा दे। अरे हाँ। हाय हाय, चलो मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ। जाओ बेटा। ठीक है चलो। अरे देखा देखा आपने, दोनों कैसे घुल मिल गए हैं। जेठा भाई ये हाथ में पट्टी? नहीं नहीं, ये शर्ट का डिजाइन है। जेठालाल एक मिनट, उन्हें गलतफहमी हुई है, वो मुझे जेठालाल समझ रहे हैं। अरे माफ कीजिए, ये जेठालाल है, मैं तारक मेहता हूँ, और ये जो पट्टी है ये मेरे विरोध प्रदर्शन का तरीका है। विरोध? कैसा विरोध? देखिए आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है ना रिया, कि मेहता साहब जब भी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं तभी ऐसे ही पट्टी बांधकर विरोध करते हैं।
नहीं नहीं चंपक चाचा, ये बात क्या तारक भाई, आप भी छोड़ो ना अपने घर की बात, ये लोगों के सामने क्या करते हो। अरे लेकिन इसको मैंने नहीं पहचाना। दया बेन अच्छा मजाक कर लेती है आप। अब तुझे भी मजाक सीखना पड़ेगा छुटकी। हरिया एक मिनट, ये छुटकी है? हाँ ये छुटकी है। अरे भाई हमारी छुटकी ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो इस घर में बहू बनकर आ रही है। सहबी कुछ नहीं पक्के तौर पे इन्हें कोई गलतफहमी होगी, कोई गड़बड़ हो गई जेठा। दया बेन टिपेंद्र कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भाई हमारी छुटकी ने टिपेंद्र कुमार की इतनी तारीफ की है कि हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई है। तो क्यों छुटकी बेटा? भावना बेन बात ये है। अभी आते हैं हरिया एक मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी आता हूँ। हाँ बापू जी बोलिए। बहू मैंने नहीं बुलाया, अपने आप आए हैं। क्या हुआ होगा? समझ में नहीं आता, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम जिसे छुटकी समझ रहे थे वो तो छुटकी है ही नहीं, छुटकी तो हरिया की बड़ी बेटी है। वाह क्या वाह क्या, नहीं मतलब ये तो वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं मदा साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। और चाचा जी आप तो खुद टप्पू के साथ गार्डन में गए थे छुटकी से मिलने, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ वो मैं गया था गार्डन में, लेकिन वहाँ पे मैं दूर खड़ा था और वहाँ पे ये दोनों आई थी, तो मैं तो हरिया की छोटी बेटी को ही छुटकी समझूंगा ना, बड़ी बेटी को छुटकी क्यों समझूंगा? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है चाचा जी, लेकिन आपकी इस छुटकी बड़की के चक्कर में गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई। बड़ी मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुनिए कुछ टेंशन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं शादी की बात है, कुछ आपस में बात करने गए होंगे। बापूजी अब हरी भाई से क्या बात करें? हाँ ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है गड़बड़ एक नहीं दो हो गई है। हरी भाई भी टप्पू और टिपेंद्र दो अलग अलग लड़के समझ रहे हैं। एक मिनट मतलब उनके हिसाब से वो टप्पू को दूल्हा ही नहीं मान रहे? हाँ बिल्कुल। बापूजी मैंने तो माँ को भी बोल दिया है कि आज टप्पू की बात पक्की हो ही जाएगी, अब तक तो उसने मोहल्ले में पेड़े भी बांट दिए होंगे, अब क्या करे बापूजी? मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर चल के हरी भाई के सामने ये सारी बात करके ये गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हरी कृष्ण के घर वाले ढूंढ रहे हैं टिपेंद्र को, और चंपक चाचा जिस छुटकी के साथ टिपेंद्र की शादी कराने वाले थे वो तो सिर्फ नाम की छुटकी निकली, उम्र में तो बड़ी। चंपक लाल के अरमानों पे पानी फिर गया, और मेरे और जेठालाल के लिए जैसे किसी रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाए, ये ऐसी ही बात हो गई। लेकिन तब क्या होगा जब हरी कृष्ण को पता चलेगा कि चंपक चाचा टप्पू के लिए शादी की बात कर रहे थे? अब क्या चंपक चाचा हार मान जाएंगे या टप्पू की शादी करवाने के लिए फिर से जुड़ जाएंगे? ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।